श्री विनायक मार्बल ग्रेनाइट एंड टाइल्स। हमारा शोरूम सालियाना चौक पंचरुखी से पालमपुर रोड में और दूसरा शोरूम संगल में बाजार से सस्ते दामों में मिलती है। हिमाचल में सबसे सस्ते दामों में मिलने वाली टाइल, मार्बल और ग्रेनाइट, वॉश बेसिन, मंदिर और विभिन्न प्रकार की अपने सपनों के घर को सजाने के लिए संपर्क करें। श्री विनायक मार्बल शोरूम सालियाना चौक पंचरुखी पालमपुर रोड नजदीक पेट्रोल पंप और दूसरा शोरूम संगल और शो होटल के बिल्कुल साथ में। यहाँ पर जारी है, नहीं चलेगी, नहीं चलेगी। मांग है अभी तली अंगड़ाई है, अभी लड़ाई है, अभी तली। मेरे नेता कैसे है, सर्द रातों के बाद भी वोकेशनल शिक्षकों का धरना जारी। सरकार ने धरना खत्म कर दिया, वार्ता का न्योता। 7 दिनों से धरने पर बैठी महिला शिक्षिका की आंखों से छलके आंसू, बोले मांगी पूरी ना होने तक धरना रहेगा जारी। शिमला की सर्द भरी रातों के बावजूद भी वोकेशनल शिक्षकों के हौसले बुलंद है। निजी कंपनियों को बाहर का रास्ता दिखाने और नीति निर्माण की मांग को लेकर शिमला के चौड़ा मैदान में शिक्षक 7वें दिन भी धरने पर डटे रहे। यहां तक कि मजबूरी में महिला शिक्षक अपने छोटे बच्चों के साथ धरने पर बैठी है। 11 वर्षों से सेवाएं दे रही इन महिला शिक्षिकाओं के धरने के दौरान अपनी घर की याद, परिवार की याद और जिम्मेदारों ने आंखें नम कर दी और आंखों से आंसू झलक पड़े। आज शिक्षकों द्वारा उस शिक्षक की याद में 2 मिनट का मौन भी रखा गया जो इस लड़ाई में शामिल था और उसके 17 दिन के बच्चे ने पीजीआई में दम तोड़ दिया। शिक्षकों ने साफ तौर पर सरकार को चेतावनी दी है कि उनका ये धरना उस समय तक जारी रहेगा जब तक कि उन्हें लिखित में कोई आदेश नहीं मिलता, अन्यथा ये धरना जारी रहेगा। हालांकि शिक्षा विभाग की ओर से उन्हें सरकार के साथ वार्ता का 12 नवंबर का न्योता मिला है, लेकिन वार्ता के लिए उन्हें अपना धरना समाप्त करना होगा, जो शिक्षकों को ये शर्त कतई मंजूर नहीं है। हिमाचल प्रदेश में 2174 वोकेशनल टीचर्स हैं जो 1100 स्कूल में सेवाएं दे रहे हैं। हिमाचल प्रदेश के वोकेशनल टीचर्स को प्राइवेट कंपनियों के जरिए सेवाओं पर रखा गया है। ऐसे में टीचर्स प्राइवेट कंपनियों को बाहर रखने की बात कर रहे हैं। नमस्कार, मेरा नाम दीपिका है, मैं डिस्ट्रिक्ट सोलन नालागढ़ से हूँ और हमें यहाँ पे और हम यहाँ पे किसी के फोर्स स्कूल से नहीं आए, हम अपनी मर्जी से हम यहाँ पे बैठे हुए हैं। वही हम सरकार से अपना हक हक के लिए हम यहीं पे बैठे हैं। बस हम यही चाहते हैं कि बस इन कंपनियों को बाहर करें और इससे हम इससे ज़्यादा हम कुछ नहीं मांग रहे हैं। तो हो रही है क्योंकि हम भी अपने परिवार को छोड़ के आए हैं, साथ में बच्चे भी आए हैं, इनको रात को मतलब सही से सुलाना खिलाने की बहुत प्रॉब्लम आती है, लेकिन ऐसी यहाँ पे कोई प्रॉब्लम नहीं आ रही है। और मतलब हम थैंकफुल करना चाहेंगे अपने परिवार का, अपने फैमिली का जो हमें सपोर्ट कर रहे हैं यहाँ भेजने के लिए। सर हम बार बार सरकार को यही बोल रहे हैं कि हमारी कोई ज़्यादा मांग नहीं है, सिर्फ हम ना अपने सैलरी के लिए हम बात कर रहे हैं, ना अपने एरियर के लिए बात कर रहे हैं, हम सिर्फ अपनी जो कंपनियां हैं इन्हीं को ही बाहर निकालने के लिए बात कर रहे हैं, इससे ज़्यादा हम और कोई डिमांड नहीं कर रहे हैं सरकार से। देखिए सर, हमारे हमें जो है न्योता आया था, एसपीडी महोदय ने हमें बुलाया था, एसपीडी महोदय से हमारी बातचीत हुई, लगभग 3 घंटे तक हमारी बैठक एसपीडी महोदय के साथ चली, लेकिन वो बैठक बेनतीजा रही क्योंकि एसपीडी महोदय ने कहा कि हमें जो शिक्षा मंत्री जी के आदेश हैं उसके अकॉर्डिंगली जो है अगर आप अपना जो धरना है इसे जो है वो क्लोज करते हैं, आप घरों को वापस चले जाते हैं बिना किसी शर्त के, तो हम लोग जो हैं आपसे बातचीत करने के लिए तैयार हैं और मंत्री महोदय जो हैं वो 12 तारीख को आपसे मिलना चाहेंगे, लेकिन शर्त ये है कि आप लोग जो हैं वो इस धरने को यहीं समाप्त करें और घरों को जाएँ। लेकिन हाँ, हम इस चीज़ पर सहमत नहीं हुए। हमने कहा कि महोदय हम 11 सालों से आश्वासन पर टिके हुए हैं, ऐसी हम कई बैठकें कर चुके हैं और उसी दौरान जो एसपीडी महोदय ने कहा कि मैं हरियाणा बात करता हूं, मैं गोवा बात करता हूं, वहां के उन्होंने एसपीडी महोदय से भी बात करने की कोशिश की, जिससे ये समझ आता है कि उनके पास जानकारी नहीं है। बार बार हरियाणा का दौरा करने के बाद पुरानी हमारे जो हैं वो नोडल ऑफिसर्स जब हरियाणा गए, बहुत सारे लोग हमारे विभाग के लोग जो हरियाणा गए उन्होंने स्टडी किया और उसके बाद अगर हमें दोबारा से जो है एसपीडी महोदय द्वारा वहाँ से जो है हरियाणा के एसपीडी महोदय को कॉल करनी पड़ती है और ये जानकारी लेनी पड़ती है कि आपका प्रोजेक्ट किस तरह से चल रहा है, ये थोड़ा सा जो है वो हमें अच्छा नहीं लगा। ये थोड़ा दुर्भाग्यपूर्ण बातें हैं कि 11 साल बीत जाने के पास विभाग के पास कोई प्रॉपर जानकारी नहीं है।
उन्होंने कहा कि अगर आप इस धरने को पूरी तरह से बंद करना चाहते हैं तब हम लोग जो है वो मानेंगे, लेकिन हमने भी अपनी शर्त रखी है कि हम आप रिटर्न में दो लाइन हमें लिख के दे दें, हम उसी दिन जो है इसे कॉल ऑफ करेंगे, अन्यथा हमारा ये धरना निश्चित काल के लिए चलेगा। 12 तारीख को अगर हमें कोई न्योता आता है तो डेफिनेटली हम जाएंगे, लेकिन अगर हमें कोई न्योता नहीं आता है तो उसके बाद फिर हमें सोच विचार करने की आवश्यकता होगी। यानी कि बिना जी बिल हम चाहते हैं कि सरकार हमें बुलाए, लेकिन हमारी कंडीशंस के ऊपर बात हो, हम अपना जो प्रेजेंटेशन है वह देना चाहते हैं, इसके लिए हम तैयार हैं, हमारे पास हर चीज़ का सॉल्यूशन है, हमने पूरी तैयारी की है, पूरी फाइल्स हैं, हम उन्हें एक बार अपने लेवल पर जो है 10-15 मिनट जो अपनी प्रेजेंटेशन देना चाहते हैं, उनके दिलो दिमाग में जो डाउट्स हैं उन्हें क्लियर करना चाहते हैं, उसके बाद अगर वो हमें रिटर्न में नोटिफिकेशन जारी करते हैं कि 31 मार्च 2025 तक हम कंपनियों को जो है हिमाचल प्रदेश से बाहर कर देंगे, डेफिनेटली हम इस धरने का कॉल ऑफ करेंगे, और साथ ही साथ जो है माननीय मुख्यमंत्री जी का भी और माननीय शिक्षा मंत्री जी का भी हम तहे दिल से धन्यवादी रहेंगे और धन्यवाद करेंगे। 7 दिन से हमारा धरना जारी है, सरकार से मिलने का प्रयास भी किया और सरकार से हम मिले भी, एसपीडी महोदय से हमारी बातचीत हुई और एसपीडी महोदय से जो बातचीत हुई उसमें उन्होंने कुछ तो सकारात्मकता दिखाई, उन्होंने कहा मैं सरकार तक आपकी बात को पहुंचाऊंगा, जो भी आपकी डिमांड्स है मैं पहुंचाऊंगा, लेकिन एसपीडी साहब से बात करते हुए हमें कुछ बातों का बातें फील हुई, हमें ऐसा लगा कि उनके पास पर्याप्त जानकारी ही नहीं है, उनके पास जो जानकारी होनी चाहिए थी वो नहीं थी, और पिछली सरकार में हमारे जो शिक्षा विभाग के लोग हैं उनका एक डेलीगेशन यहाँ से भेजा गया था हरियाणा राज्य में स्टडी करने के लिए, 3 बार वो डेलीगेशन गया, और 3 बार डेलीगेशन जाने के बावजूद अगर शिक्षा विभाग के पास इसकी जानकारी नहीं है तो ये दुर्भाग्यपूर्ण है। जहां सरकार हमारे बारे में अच्छा सोच रही है, सकारात्मक सोच रही है, हमें लग रहा है कहीं ना कहीं कर्मचारी और विभाग के लोगों में थोड़ी ना कहीं कमी रह चुक गई है कि वो प्रॉपर जो है जानकारी आगे हमारे शिक्षा मंत्री तक नहीं पहुंचा पा रहे हैं। अगर वो जानकारी सही तरीके से शिक्षा मंत्री महोदय तक पहुंचे तो इस चीज का सॉल्यूशन हो सकता है और ये स्ट्राइक कॉल ऑफ हो सकती है अगर शिक्षा मंत्री जी चाहें। लेकिन अब बात आती है कि हम लोग आश्वासन पर जाने वाले नहीं हैं, हम पिछले 7 दिनों से यही रुके हुए हैं। एसपीडी महोदय ने भी हमें कहा कि आप जो है वो हमें रिटर्न में तो नहीं दे सकता, लेकिन आप कॉल ऑफ करिए, आप वापस जाइए, हम बातचीत करेंगे, लेकिन आप लोगों को पता है कि दूध का जला छाछ फूंक फूंक कर पीता है, हो या वर्तमान सरकार हो, हमने आश्वासनों पे ही विश्वास किया। पिछली सरकार में जयराम जी ने कहा आप किसी राज्य की नोटिफिकेशन हमारे पास लाइए, हम तुरंत लागू कर देंगे, उसी समय हरियाणा में जो है वो सरकार ने नोटिफिकेशन जारी की, हमने लाया, और उसके बाद जब अंतिम वार्ता हुई तो उनकी तरफ से बयान आया कि हमें आज तक ये समझ ही नहीं आया है कि सरकार आप लोगों की डिमांड क्या है। उसके बाद अभी कांग्रेस सरकार सत्ता में आई है, माननीय उप मुख्यमंत्री मुकेश अग्निहोत्री जी ने कहा कि हम 6 महीने में बिचौलियों को बाहर करेंगे, आश्वासन ही तो था, आश्वासनों पे ही विश्वास किया, सरकार में ही विश्वास जताया, हमने सरकार का समर्थन किया, खुले तौर पे समर्थन किया, हमारे संघ ने जो है पूरी तरह से जो है कांग्रेस सरकार को समर्थन दिया। उसके बाद आज 2 साल होने को आ गए हैं, शायद कहीं ना कहीं वो भी अपने वादे को भूल रहे हैं, तो अब उस वादे को याद रखने की जरूरत है। बहुत सारी उथल पुथल जो है वो राजनीतिक गलियारों में रही, मैं मान सकता हूँ उस वजह से जो है सरकार में थोड़ी अव्यवस्थता फैली, लेकिन अब सरकार स्टेबल है, सरकार माननीय मुख्यमंत्री सुखविंदर सिंह सुक्खू की अध्यक्षता में अच्छे से काम कर रही है, कोई ऐसा बड़ा इश्यू नहीं है और ना ही हमारी कोई इतनी बड़ी मांग है जिसको जो है वित्तीय बोझ जो है वो सरकार के ऊपर होगा, क्योंकि हम फाइनेंशियल सेक्टर्स की बात नहीं कर रहे, हम फाइनेंशियल वित्तीय कोई बोझ सरकार पर नहीं डालना चाहते हैं। हमारा सीधा और साफ तरीके से हम बार बार कह रहे हैं कि हम जो सेंट्रल गवर्नमेंट से जो फंडिंग आ रही है, जो इस प्रोजेक्ट के लिए आती है, जो वोकेशनल शिक्षकों के लिए आ रही है, आप वो सीधे तौर पर हमें प्रोवाइड करवाएं, हमारा गतिरोध सरकार के साथ नहीं है, हमारा कोई टकराव सरकार के साथ नहीं है, लेकिन हमारा कहीं ना कहीं हमारा 7 दिन हम लोग जो यहाँ बैठे हुए हैं, 7 दिन बीत जाने के बाद हमें ऐसा लग रहा है कि कुछ विभागीय लोगों का जो है कुछ तौर तरीका सही नहीं है, शायद सरकार तक प्रॉपर जानकारी नहीं पहुंच पा रही है। देखिए सरकार अपनी मांग भूल गई है, मेरा कहने का तात्पर्य यह है कि हम सरकार को सिर्फ याद करवाना चाहते हैं, क्योंकि मैं आपसे अभी मैंने कहा कि राजनीतिक गलियारों में उथल पुथल रही, सरकार में बहुत सारी दिक्कतें परेशानियां आई, आर्थिक संकट में सरकार आ गई थी, हम समझते हैं, हम लोग जो है शिक्षक है, राष्ट्र और देश की बात को हम सर्वोपरि मानते हैं, हम मानते हैं कि सरकार में बहुत सारी दिक्कतें आ चुकी थी, लेकिन माननीय मुख्यमंत्री जी के कुशल नेतृत्व में उन समस्याओं का समाधान कर लिया गया है। अब उन समस्याओं का जब समाधान हो गया है तो सरकार को उन वादों को याद करवाना भी हमारा कर्तव्य है, हम सरकार को याद करवा रहे हैं कि माननीय
मुख्यमंत्री जी ने जो वादा किया था अब उसे पूरा करने का वक्त आ चुका है। ये अनिश्चितकाल धरना है, जब तक हमें तक है हम कह रहे हैं हमें एकमात्र नोटिफिकेशन देने वो है वो इस धरने को समाप्त करने के लिए तैयार है, लेकिन अगर हमें रिटर्न में कुछ नहीं मिलता है तब तक हम यहां से टस से मस नहीं होंगे। हमारे अन्य जिलों के व्यावसायिक शिक्षक यहां पहुंच रहे हैं और ये भीड़ लगातार बढ़ती जाएगी। आरती ठाकुर है भरमौर क्षेत्र के बतोट गांव से यहां पे उपस्थित हुए जो कि जिला चंबा में है। आपको एज अ वोकेशनल शिक्षक सर मैंने 2014 में जो है वो जून 14 को एज अ वोकेशनल ट्रेनर हेल्थ केयर ज्वाइन किया था और आज मुझे लगभग 11 साल हो गए। सर हम बीइंग अ वुमन एक महिला होने के नाते बहुत मुश्किल होता है क्योंकि दो परिवारों की जिम्मेवारी हम पे रहती है तो बहुत मुश्किल होता है क्योंकि कुछ फैमिलीज बहुत सपोर्ट करती हैं। मेरी फैमिली ने मुझे बहुत सपोर्ट किया है जो आज मैं यहाँ हूँ, कुछ की फैमिलीज नहीं भी सपोर्ट करती है, उसके बावजूद भी जो लेडीज हैं यहाँ पे बैठी हुई हैं तो ये स्पष्ट सी बात है कि हम जो है अपने अधिकारों के लिए बैठे हैं, जिस सम्मान को हम 11 साल से तरस रहे हैं कि हमें कोई एक नाम दिया जाए और हमें उस सम्मान को से हमें नवाजा तो नहीं जाए पर यह है कि हमें कम से कम हमारे अधिकार मिले उसके लिए हम यहाँ पे हैं। आपने कहा जी दिक्कत तो खैर है क्योंकि सर्दी का मौसम है और महिलाओं को प्रत्यक्ष अप्रत्यक्ष रूप से काफी जो समस्याएं रहती हैं जिससे भली भांति सभी परिचित हैं तो समस्याएं तो रहती ही हैं, लेकिन समस्याओं से पार निकलकर जो शायद एक जीत होती है उसका एक अलग सुकून होता है। और रही बात सरकार की तो हमें पूरी उम्मीद है कि उनका जो सकारात्मक रवैया है वो हमारे प्रति है और एक समय आएगा जो शायद स्पष्ट रूप से हमारे साथ बात करेंगे। मांग हम सभी बेटी जो 2100 की लगभग तादाद में हम लोग हैं तो हम चाहते हैं कि सरकार जो है वो हमें अपने अधीनस्थ करे, हमें कंपनियों से छुटकारा दे क्योंकि जो जिस कार्य प्रणाली के अंतर्गत हम लोग 11 साल से गुजर रहे हैं उसके सम्मान रूप से हमें जो है वो ना हमारा हमें वेतन जारी होता है और ना ही अगर होता भी है तो वो कुछ कंपनियां अपनी अपनी मन मर्जी से जो है वो जारी करती है। तो हम चाहते हैं कि हमें कंपनियों के अंतर्गत ना रखकर जो राज्य सरकार है जो हमारी सरकार है हम उसके नुमाइंदे बनकर कार्य करें और अभी तक हम बेहतर कार्य करते आए हैं और हम आगे बेहतरीन और भी बेहतरीन कार्य करें। सर क्योंकि आदमी नौकरी किस लिए करता है, जाहिर सी बात है रोटी कपड़ा मकान, और बहुत से यहाँ पे बेटीज ऐसे हैं जो ऐसे परिवारों से हैं जिनका परिवार उनके कंधों पे चलता है और जहाँ तक नारी शक्ति की बात है तो कुछ लड़कियाँ ऐसी हैं जिनके जो माता पिता है वो उन पे आश्रित हैं, ससुराल वालों में का भी उन्हें देखना पड़ता है। तो मुझे लगता है कि हम एक ऐसे संघर्ष से गुजर रहे हैं जो संघर्ष शायद प्रत्यक्ष रूप से किसी के सामने ना हो लेकिन जिस एक मानसिक प्रताड़ना से हम गुजर रहे हैं तो आंखों का नम होना एक लाजमी सी बात है। सर आप देखिए जैसे कि कुछ यहाँ पे लेडीज हैं जिनके बच्चे हैं तो बच्चे बीमार पड़ रहे हैं, घर पे बूढ़े बुजुर्ग हैं, सास ससुर हैं, तो एक जिम्मेवारी तो लेडीज ही नहीं है जो जेंट्स बैठे सभी पे होती है सर जिम्मेवारी, तो दिक्कत तो होती है सर, लेकिन सर अगर परेशानी नहीं होगी तो हम अपना मुकाम भी हासिल कर सकते हैं तो मुश्किलों का सामना करना पड़ेगा।